हिट एंड रन कानून को लेकर फिलहाल आंदोलन थमा हुआ है, लेकिन क्या वाकई आंदोलन थम गया है या फिर ये तूफान से पहले की शांति है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं बस ड्राइवरों के पास। हमारे साथ पीछे देख सकते हैं आप, बहुत से बस ड्राइवर हैं जो लगातार आपसे में चर्चा ही कर रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, क्या निर्णय आएगा और अगर पक्ष में नहीं आता है तो क्या करेंगे। हम बात करेंगे, भाई साहब क्या नाम है आपका? महेंद्र बंसकार जी हमारा नाम। महेंद्र जी बताइए कि जो कानून है हिट एंड रन का, आप लोगों ने धरना दिया था, फिर सरकार को आपने अल्टीमेटम दिया है, कितना तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है? देखिए, सरकार ने ये कहा था कि हम कानून लागू नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उस बात को, तो हम लोग आगे भी हड़ताल 17 को हम सभी ड्राइवर अपने भारत के जितने भी हमारे रूट ड्राइवर हैं, बस वाले हैं, ट्रक वाले हैं, टैंकर वाले हैं, जो भी, हम 17 तारीख को यदि हमको सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, कानून वापसी नहीं लेती है, तो हम लोग द्वारा से 17 तारीख को पूर्णता से हड़ताल करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुश्ताक अंसारी है। मुश्ताक भाई, हिट एंड रन कानून को लेकर क्या शिकायतें हैं, क्या आपके मन में क्या शिकायतें सरकार से? सरकार ये तो सब कुछ कह रही है कि ऐसा करेंगे, आज तक सरकार ने ये पूछा है कि बस कर्मचारियों के वेतन कितनी मिलती है, कितने में काम कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, चल रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि हम ये कानून लाके, सरकार का ये कहना है कि हम कानून लाके जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका क्या राय है? देखिए सर, ऐसा है कि ड्राइवर को 4-5 हजार रुपए महीना मिलता है, ठीक है, यदि वो इतना सक्षम होता तो पहले बात वो कोई ड्राइवर ही नहीं करता, इतना सक्षम होता तो वो ड्राइवर ही नहीं करता। अच्छा, 4-5 सौ रुपए उसे पर डे के मिलते भी हैं तो वो अपने बच्चों को खिलाता पिलाता है। यदि सरकार ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है, सरकार कम से कम ड्राइवरों से पूछती तो एक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। भाई साहब, क्या आपकी क्या राय है इस पूरे कानून को लेकर और आप कैसे देखते हैं 17 जनवरी के जो आंदोलन? भाई साहब, ये जो कानून लोगों को कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए जुर्माना है और 10 साल की सजा, तो ड्राइवरों के पास इतना थोड़ी रखा भाई साहब, ड्राइवर कहाँ से देंगे? अब उसमें 500-600-400-500 रुपए मिलते हैं रोज के, अपने परिवार चलाएंगे, ड्राइवर से बस चाहता कुत्ता भी ना मरे, होने वाली बात होती है वो हो जाती है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राकेश राय है। राकेश साहब, कैसे देखते हैं? हम तो ड्राइवर ही जितना सुनिवेला से बंदे ही कह रही ओना जाने हैं ये बंदे हमारा बोया रास्ता दिल्ली जाए मजदूर कह भी मोड़ी मोड़ा भाई मोड़ी मोड़ा पालने का कुआ पड़ा दे कहां नहीं दे रो बच्चा 200-250 की मंजूरी कर रहे हैं ए वो 7 लाख रुपए बच्चा दे हम हमने नहीं जाते पैसा मोड़ी मोड़ा कुआ पड़ा दे का। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संदीप जांगी है। क्या देखते हैं कानून को, कैसे लगता है, क्या होगा? ये सर, न्याय दिलाया जाए ड्राइवरों को। क्या न्याय चाहते हैं? ये मंजूरी कर रहे 500-600 रुपए की, 7-8 लाख रुपए कहाँ से देंगे? आप क्या चाहते हैं कानून में, क्या चीज हो, क्या बदलाव हो? सर, पहले था वही हो जाए, यही न्याय है। तो 10 लाख रुपए देंगे बच्चों को कौन पालेगा? सर, आपका नाम क्या है? यही के। क्या नाम है? सब 10-10 लाख रुपया, 7-7 साल 10 हजार, 7-8 खां। अच्छा, क्या चाहते हैं? क्या हम लोग ये चाहे साहब, जो ने लिया वो अपने वापस ले लो, नई सरकार नहीं लेती वापस तो फिर क्या करेंगे? अनिश्चितकाल के लिए धरना करेंगे। अनिश्चितकाल की यदि सरकार ने ये कानून वापसी नहीं लिया तो अनिश्चितकाल के लिए धरना होगा, हम लोग ड्राइवरी छोड़ देंगे, अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे। और भी लोग हैं, आप लोग की क्या राय है इस कानून पे, क्या कहना है आप लोग का? सबकी ही राय है सर। अच्छा, क्या शिकायत है, क्या है कानून सर? जी ये सर, क्या 7 लाख रुपए किसके पास रखे सर? मुद्दा जुर्माने का, 10 साल में रहेंगे तो क्या करेंगे? मोड़ी मोड़ा तो फिर सुना कि ड्राइवरों का भी ये कहना है कि अगर 17 जनवरी तक सरकार बात नहीं मानती है तो उसके बाद एक बड़ा आंदोलन लेगा और हड़ताल ऐसी होगी जो शायद इससे पहले कभी हुई ना हो, ये सभी ड्राइवरों का कहना है। लोकेटिन के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।